In fact, somebody told me the Library of Congress, वहाँ पे ज़मीर अख्तर नकवी जो कि अहले तशरीफ आलिम थे, अच्छा, जिनका बड़ा मीम मनाया जाता था, जरूर आपने जरूर उनके मीम्स वगैरह देखे होंगे, जाहिर है उनका एक अलग पर्सोना था जो इंटरनेट में लोगों ने परसीव किया। मैं उनकी पर्सनल दरसगाह में भी गया और उनकी बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी थी, उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी थी। एट दैट एज ही वॉज ऑलमोस्ट 80, वो लेट के बता देते थे कि फलानी किताब की फलानी जिल्द के फलाने पेज पे ये लिखा हुआ है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कुछ किताबें हैं, यू कैन से अ शेल्फ व्हिच इज नेम्ड आफ्टर हिम, इट्स कॉल्ड ज़मीर कॉर्नर, क्योंकि कुछ किताबें थी रिलेटेड टू इस्लामिक हिस्ट्री जो कि बड़ी शिद्दत से ढूंढने जा रही थी और वो उनके पास उनके पास तो उन्होंने फिर वहाँ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को डोनेट की थी। लेकिन हमने उनको मीम बनाया हुआ है, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उन्होंने कुछ 400-500 किताबें लिखी थी। ही डिड इंडेक्सिंग इन अर्ली 1970s। मीर गालिब और दो और शायर थे, मैं दो के नाम भूल रहा हूँ, उनकी तमाम अशार की इंडेक्सिंग, अलिफ अलिफ से गालिब के कौन से शेर हैं, मीर के कौन से शेर हैं, मीर तकी मीर के कौन से पेज में कहाँ हैं, वो पूरी इंडेक्सिंग उन्होंने बैठ के ना बस वो विकिपीडिया एक्सेल शीट खेल रहे थे 71 में। एंड देन ही गॉट, उनको फिर वजीफा मिला था कोई 5,000 रुपए का उस जमाने में। किस जमाने में? 1973-74 में, उनको कोई 3-4 साल लगे थे इसको कंपाइल करने में। सब What a fascinating guy. That's amazing, yeah. Yeah. What an amazing story you told.